गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं शुरू करने ऑप्टिकल आइसोमर्स। आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब देखिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स को पढ़ने से पहले हमें सिमेट्री ऑफ द एलिमेंट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्या बोले हम? ऑप्टिकल आइसोमर्स को पढ़ने से पहले हमें सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जा रहे हैं बात करने सिमेट्री। हम जा रहे हैं बात करने सिमेट्री का। और सिमेट्री को हम फोर पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला होता है POS, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। POS जिसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा हम बोलते हैं COS, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री। तीसरा हम बोलते हैं AOS, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और फोर्थ को हम बोलते हैं AAOS, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये चार तरह का सिमेट्री है जो हम पढ़ेंगे। हम एक एक करके बात करेंगे। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एक बार 1998 में इस पे क्वेश्चन JEE में आ चुका है, इसीलिए इसको भी हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन आपको मैक्सिमम जो पढ़ना होगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में, वो मैक्सिमम प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री का ही ज़्यादा पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। हम जा रहे हैं सबसे पहले बात करने POS। हम POS की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, तो इसका पहले डिफिनीशन क्या होगा? इट इज़ डिफाइंड एज एन इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ सच दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब कोई भी अगर आपका एक सब्सटेंस है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको ऐसा एक प्लेन से डिवाइड करो जो कि मॉलिक्यूल्स को ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, और दोनों पार्ट ऐसा हो कि बोथ शुड बी इक्वल और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो। तो हम क्या बोलते हैं? POS, इट इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल
इंटू टू इक्वल हाफ इंटू टू इक्वल पार्ट्स सच दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर सच दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर सच दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये वाला एक ले लिया साइक्लो प्रोपेन, अब इसको आप एक इमेजिनरी प्लेन से डिवाइड करो। इस तरह से आपने इसको एक बार इमेजिनरी प्लेन से इस तरह से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये वाला सिस्टम में POS हम कब बोलेंगे, मान लो कि आपने इस इमेजिनरी प्लेन से इसको डिवाइड किया सच दैट कि मान लो ये वाला पहला पार्ट है जिसको हम वन दे रहे हैं नाम, और ये वाला दूसरा पार्ट है जिसको हम नाम दे रहे हैं टू। तो जब आपने इसको एक इमेजिनरी प्लेन से डिवाइड किया सच दैट कि जो वन है दैट इज़ इक्वल टू टू, मतलब दोनों जो पार्ट है वन एंड टू बोथ आर इक्वल, पहला कंडीशन। और दूसरा क्या है, जो वन एंड टू है बोथ शुड बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बोथ वन एंड टू शुड बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, शुड बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज हो जाएंगे एक दूसरे का। जब ये दोनों, ये वाला पहला पॉइंट ये वाला दूसरा, जब ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा तब जाके हम बोलेंगे कि ये हमारा सिस्टम क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। क्या शो करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो कि अगर हमने एक तो ये ले लिया साइक्लोब्यूटेन, अब हम बोलेंगे क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक लाइन डिवाइड करो सच दैट कि जो ऊपर वाला पार्ट वन है वो और जो नीचे वाला पार्ट टू है दोनों बराबर हो, और दोनों अगर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो डेफिनेटली ये वाला हमारा POS शो करेगा, ये वाला हमारा POS क्या करेगा, शो करेगा। अब हमें किस किस तरह के कंपाउंड्स के बारे में बात करना है जिसमें POS पढ़ना है, तो हमें एक POS पढ़ना है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। पहला जो हमें POS पढ़ना है इट इज़ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। दूसरा जो हमें POS पढ़ना है वो है साइक्लिक कंपाउंड, और जो तीसरा हमें POS पढ़ना है ये है सैचुरेटेड कंपाउंड। ये तीन हमें ऐसे कंपाउंड है जहां POS के बारे में पढ़ाई करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड का। द फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अनसैचुरेटेड। द फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस इन अनसैचुरेटेड। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल लिया HC डबल बॉन्ड CH। अब हम बोलेंगे क्या ये POS शो करेगा कि नहीं करेगा। आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करो। अब मान लो इसमें एक और हम क्वेश्चन पूछ दिए कि बेटा अगर ये POS शो करेगा तो कितना POS शो करेगा, तो जिस जिस पॉइंट से हम डिवाइड करेंगे और अगर उस पॉइंट पर दोनों अगर इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया तो ये हमारा POS शो करेगा। जैसे मान लो
अगर एक बार मैं अगर इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया तो हम क्या देख रहे हैं कि नीचे और ऊपर बोथ आर इक्वल, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट नंबर POS। अगर हम एक बार अगर हम ऐसे डिवाइड कर दिए तब भी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, ये सेकंड नंबर POS। और थर्ड नंबर POS होता है प्लेन ऑफ स्लाइस। थर्ड नंबर जो हमारा POS है वो प्लेन ऑफ स्लाइस। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, दिस ऑल आर हेमिस्फीयर, दिस ऑल आर एस्फीयर। ये क्या है? एस्फीयर। तो जब आप इसको प्लेन में काटोगे ना तो हेमिस्फीयर, ये स्फीयर इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू डिफरेंट टू इक्वल हेमिस्फीयर। तो जब आप प्लेन ऑफ स्लाइस से भी काटोगे ना तो जो ऊपर का पार्ट है और जो नीचे का पार्ट है वो दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट एस्फीयर है और काटने पर दोनों बन जाएंगे हेमिस्फीयर। तो जो हमारा तीसरा होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री वो हो जाएगा प्लेन ऑफ स्लाइस। तो इस तरह से ये कंपाउंड में हमारा तीन POS शो करता है, पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल और तीसरा प्लेन। अगर मान लीजिए हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, HCCl डबल बॉन्ड CHCl, मैं आपसे बोलूं क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, और अगर शो करेगा तो कितना शो करेगा। तो आप देखो कि अगर मैं इस प्लेन को अगर इस तरह से डिवाइड करता हूं तो ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे क्लोरीन और ऊपर क्या है? हाइड्रोजन। चलो दूसरा, अगर मैं इस तरह से डिवाइड करूं तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा लेफ्ट हाफ है वही हमारा राइट हाफ है, तो ये वाला हमारा शो करेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। और तीसरा प्लेन ऑफ स्लाइस, तो इसमें हमारा दो हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम तीसरा बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक कंपाउंड ले लिया बी आर सी डबल बॉन्ड सी एच आई सी एल, हम बोलेंगे क्या बेटा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा कि नहीं करेगा। पहले आप तो लाइन ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर आप ड्रॉ करोगे वर्टिकल, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि हर, लेकिन हाँ ये आपका डबल बॉन्ड है, मींस दे लाई इन वन प्लेन। जब एक प्लेन में है तो इसमें एक POS है जो हमारा क्या है, वो प्लेन ऑफ स्लाइस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स प्लेनर हैं उनमें मिनिमम एक तो POS होना कंपलसरी है, दैट इज़ योर प्लेन ऑफ स्लाइस। जो प्लेनर है उसी की हम बात कर रहे हैं। प्लेनर मीन्स जहाँ पर डबल बॉन्ड। अगर हम चौथा बात कर रहे हैं, अगर हमने एक ये कंपाउंड दिया है, हम बोले क्या बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, तो पहले ही आप देख रहे हो कि इसमें डबल बॉन्ड है, तो एक तो प्लेन ऑफ स्लाइस होना कंपलसरी है। दूसरा, अगर आप वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हो तो आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट एंड राइट बोथ आर इक्वल, तो इसमें हो गया दो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक वर्टिकल एंड एक हो गया प्लेन ऑफ स्लाइस। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें क्या इसमें प्लेन ऑफ स्लाइस है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे? अगर आप वर्टिकल ड्रॉ करोगे तो नीचे वाला तो एच एच इक्वल है, ऊपर वाला ओ एंड सी दे आर नॉट इक्वल, तो ये वाला वर्टिकल लाइन आपका POS नहीं शो करेगा। लेकिन डबल बॉन्ड है यानी सिस्टम इज प्लेनर, तो इसमें एक्चुअली एक तो POS होगा, एंड दिस POS इज ड्यू टू प्लेन ऑफ स्लाइस।
एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अगर एक हमारा ये कंपाउंड है, बोलेगा क्या इसमें POS है कि नहीं। अगर आप वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहे हो तब क्या देख रहे हो कि ये HH बोथ आर इक्वल, यहाँ OO बोथ आर इक्वल, यानी एक वर्टिकल वाला तो POS हो करेगा और ये डबल बॉन्ड है सिस्टम इस प्लेनर, तो एक और POS हो जाएगा ड्यू टू प्लेन ऑफ स्लाइस। तो इसमें POS होगा और कितना POS होगा, दो POS, पहला ड्यू टू वर्टिकल लाइन एंड दूसरा इज इट इज ड्यू टू प्लेन ऑफ स्लाइस। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम बोल रहे हैं क्या इसमें प्लेन ऑफ स्लाइस है। आपने कंपाउंड में देख लिया डबल बॉन्ड है तो एक तो प्लेन ऑफ स्लाइस होना फिक्स है, लेकिन जब आपने वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दिया तब क्या देख रहे हो कि एच बराबर एच है और यहाँ पर हमने क्या बोला था कि जो भी आपका एलिमेंट है वो एक स्फीयर होता है और जब आप इसको प्लेन ऑफ लाइन से डिवाइड करोगे तो इट गेट्स डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ हेमिस्फीयर, यानी ऊपर वाला भी दोनों इक्वल है। तो यानी एक तो POS हमारा आ गया वर्टिकल लाइन से और डबल बॉन्ड है दूसरा आ गया प्लेन ऑफ स्लाइस से, तो सब ये मिला के हो गया 2 POS। ये क्या हो गया, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये हो गया हमारा 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब मैं इसकी बात करूं, इसमें अगर हम बात करें तो पहले डबल बॉन्ड है, एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्यू टू प्लेन ऑफ स्लाइस तो होगा ही होगा। दूसरा, अगर आपने लाइन ड्रॉ कर दिया हॉरिजॉन्टल, दोनों ऊपर नीचे बराबर, ये भी शो करेगा। वर्टिकल ड्रॉ किए लेफ्ट एंड राइट बोथ आर इक्वल, ये भी शो करेगा। तो इसमें 3 POS हो जाएगा, फर्स्ट इज योर हॉरिजॉन्टल, सेकेंड इज वर्टिकल एंड थर्ड इज प्लेन ऑफ स्लाइस। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि क्या ये वाला शो करेगा प्लेन ऑफ स्लाइस, ये वाला, तो पहले तो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड, तो एक तो प्लेन ऑफ स्लाइस POS शो करेगा और अगर आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हो वर्टिकल तो ये वाला भी शो करेगा, लेफ्ट एंड राइट बोथ आर इक्वल। लेकिन अगर आप ऐसे शो करते हो तो ये नहीं शो करेगा, क्यों, ऊपर ऑक्सीजन नीचे हाइड्रोकार्बन बोथ आर नॉट इक्वल, यानी इसमें हो गया 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री, पहला हो गया ड्यू टू वर्टिकल लाइन और दूसरा हो गया प्लेन ऑफ स्लाइस। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या ये वाला शो करेगा प्लेन ऑफ स्लाइस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हो कि सिस्टम में डबल बॉन्ड है, तो एक तो आपका POS हो जाएगा ड्यू टू प्लेन ऑफ स्लाइस। लेकिन अगर हम ड्रॉ करते हैं वर्टिकल तो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ कार्बन, दे आर नॉट इक्वल, ये नहीं शो करेगा। अगर हम ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल, नीचे कार्बन ऊपर ऑक्सीजन, ये भी नहीं शो करेगा। मतलब यहाँ पर एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है एंड इट इज़ ड्यू टू प्लेन ऑफ स्लाइस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूमिलीन एंड एलीन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूमिलीन एंड एलीन का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन क्यूमिलीन एंड एलीन। एलीन क्या होता है, व्हेन 2 pi bonds आर टुगेदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलीन, व्हेन 2 pi bonds आर टुगेदर, जब 2 pi bonds टुगेदर हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, एलीन। जैसे C डबल बॉन्ड C, ये हो गया एलीन। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमिलीन, व्हेन मोर देन 2 pi bonds आर टुगेदर, मतलब एक तो डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये, जब 2 से अधिक डबल बॉन्ड टुगेदर हैं तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूमिलीन। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये मॉलिक्यूल POS है कि नहीं, तो
तो इसमें हम दो कंडीशन लेके टेस्ट करेंगे। इसमें हम दो कंडीशन लेकर टेस्ट करेंगे। पहला कंडीशन है जब हमारा पाई बॉन्ड इवन है, और दूसरा कंडीशन है जब हमारा पाई बॉन्ड ऑड है। एक एक करके हम कंडीशन को लेकर टेस्ट करेंगे। क्लियर? चल।